हेलो एवरीवन, क्यों आप वॉचिंग सीरियल से आपा जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड की। तो शो में दिखाया जाएगा कि तोशु हॉल में आएगा, अनुपमा को देखेगा, वो सरप्राइज हो जाएगा कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, क्या तुमने मुझे मिस किया बेटा, तो जो तुम यहाँ आ गया। अनुपमा कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ देने आई हूँ। तभी वो कहता है कि मेरे पास आपका हैंडबैग है। तोशु कहता है कि आपने यहाँ पर ब्लैंक चेक क्यों रखा है। अनुपमा लिस्ट दिखाती है एक्सपेंसेस की। वो कहती है कि जो मैंने तुम पर अब तक खर्च करे हैं जब तक तुम्हारी शादी हुई, ये सारे उसके हैं। वो कहती है कि मैंने एक लिस्ट तुम्हें दी है और एक लिस्ट माँ को भी दी है पढ़ने के लिए। वो कहती है कि बच्चों को भी तो घर पर पता होना चाहिए ना अपने कि कैसे इस सारे फेवर्स के काम होते हैं। वो कहती है ये लिस्ट में 9100 दिन हैं, 3 मील्स पर डे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम। वो कहती है कि 5 मील्स पर डे तुम काउंट कर सकते हो। वो किंजल से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे से लिखना होगा बेटा। हाँ, तुम देखना कि कहीं तुम यहाँ पर स्पेशल फूड बनाओगी मेरे लिए तो कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिखोगी। वो कहती है कि तुम्हें कैलकुलेट करना होगा, एक केक, एक कैंडल, और अब से कैलकुलेशन 25 केक 25 कैंडल्स की भी होगी। कैलकुलेशन जो मैंने तुम्हें बर्थ दिया है, जो दर्द सहा है, और अब तक वो सारी चीज़ें जो तुम रोते थे वगैरह वगैरह। यहाँ पर अनुपमा अपनी स्टाइल से उसको कंटिन्यू करती है। इधर वो दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि छोड़ो, यहाँ पर मैं तुमसे क्या उम्मीद कर सकती हूँ। तोशु कहता है कि इवन मैं क्या, कोई भी पे नहीं कर सकता। अनुपमा कहती है कि ना तुम ना तुम्हारे पापा कोई भी इस कर्ज को चुका नहीं सकता। तोशु यहाँ पर अपना पसीना पोंछता है। अनुपमा कहती है कि मैं तेरा पैसा नहीं दूंगी लेकिन मैं तुझे जॉब ज़रूर दूंगी अगर तुझे चाहिए। वो कहती है कि लोगों का सपना होता है और या लोग होते हैं छोटी सोच के, लेकिन हर कोई अपनी छोटी सोच से सब कुछ वैसा ही करे ज़रूरी तो नहीं। वो गुड नाइट बोलती है और चली जाती है। वो कमरे में आती है, घर पे आती है और देखती है कि आध्या अपने रूम में डांस कर रही है। वो खुश होती है, आध्या मिस कर देती है स्टेप और अपसेट हो जाती है। अनुपमा सोचती है कि उसकी हेल्प कैसे करे, तभी उसे आइडिया आता है। वो रूम में जाती है और म्यूज़िक प्ले करती है। आध्या देखती है कि उसके यहाँ पर भी सेम म्यूज़िक चल रहा है जिस पर वो डांस कर रही थी। अनुपमा अपने रूम में डांस करती है, श्रुति म्यूज़िक की आवाज़ सुनती है। अनुज भी आध्या को डांस करते देखता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि इन दोनों की सुलह हो जाए। बार डिम्पी से कहती है पैसे के बारे में जो अनुपमा लाई। डिम्पी कहती है कि हाँ, उससे हम यहाँ रेस्टोरेंट खरीद सकते हैं। बा कहती है कि अनुपमा यहाँ घर भी तो खरीद सकती है और रेंट दे सकती है। डिम्पी कहती है कि अनुपमा, अनुज इंडिया ज़रूर आएंगे हमारी शादी के लिए। अनुज यहाँ पर यशदीप के साथ में टकरा जाता है, उसका बैग उसके हाथ से गिर जाता है। यहाँ पर यशदीप अनुज का बैग उठाता है, अनुज उसे ग्रीट करता है। यशदीप कहता है कि आप लोग नेक्स्ट वीक इंडिया जा रहे हैं। अनुज कहता है कि हाँ, मेरा ऑफर अभी भी ओपन है। यशदीप कहते हैं कि ठीक है, अभी मैं डिसाइड करता हूँ। चला जाता है। अनुज कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगा, मैं आपसे पहले मिला हूँ। यशदीप कहता है कि हाँ, लेकिन मैं अनुपमा जी से मिले बिना नहीं जा सकता। तभी वो लोग जाने लगते हैं। बीजे यशदीप से कहते हैं कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में अनुपमा को बताना चाहिए और अनुज सुन लेता है। तभी वो घर आता है, लड्डू देता है, लड्डू बनाने के इंग्रेडिएंट अनुपमा को, और वो कहती है क्या आप ये सब आध्या के लिए लाए हैं, क्या उसे आप साड़ी भी गिफ्ट करेंगे। अनुपमा कहती है थैंक यू सो मच इन तीनों चीज़ के लिए, उसकी हेल्प करती है। वो कहती है कि मुझे मेल आया है हिताची वांग से। अनुज पढ़ता है, प्रिटेंड करता है कि जैसे शॉकिंग न्यूज़। अनुपमा कहती है कि क्या हुआ, मैं क्या करूं। अनुज कहता है अरे ये तो ऑसम न्यूज़ है, हिताची वांग अपना नया रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं और वो तुम्हें एज अ हेड शेफ अपॉइंट करना चाहते हैं। अनुपमा खुश हो जाती है। अनुज कहता है कि लेकिन ये जो लड्डू तुम बना रही हो आध्या के लिए, वो तो बनाओ कि ना। अनुपमा कहती है कि अरे ऑब्वियसली मिस्टर वांग ने मुझे जॉब दी है, ये तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन मुझे इसके अलावा भी कुछ करना है। वो आती है यशदीप के घर और मिठाई देती है बीजे यशदीप को। वो तभी ऑफर करती है चेक, यशदीप लेने से मना करता है। अनुपमा कहती है कि देखिए, आपको रेस्टोरेंट पहले इस्तेमाल करना, ये पैसे यूज़ करके रेस्टोरेंट खोलना है, उसके बाद आप मुझे दोबारा से पे कर देना। वो कहती है कि ये सिर्फ मेरे लिए रेस्टोरेंट नहीं है लेकिन मेरे लिए मंदिर है, मेरा घर है। वो कहती है मुझे अपनी रेस्टोरेंट की फैमिली वापस चाहिए। वो कन्विंस कर लेती है यशदीप को पैसे लेने के लिए, लेकिन वो उसके सामने कंडीशन रखता है। वो कहता है कि हमारा रिश्ता चेंज नहीं होगा, तुम हमेशा मेरी कोनर ही रहोगी। स्पाइस और चटनी की और अनुपमा शॉक हो जाती है। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, अब देखना होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग कि यशदीप के लिए क्या अनुपमा अपनी ये बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देगी जैसे कि वो हमेशा करती आई है। क्या लगता है कॉमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।